वापस मैं मान के ऊपर आता हूँ, जिधर मोहम्मद वसीम को भी मैं यहाँ पे जरूर क्रेडिट दूंगा कि नॉर्दर्न के लिए खेले, उन्होंने वहां से पिकअप किया और उनकी काफी विकेटें हैं, उनकी 2021 के अंदर भी काफी विकेट्स हैं। अब नुमान अली के बारे में आप क्या कहेंगे, हम लेट क्यों कर देते हैं, कितनी देर हो जाती है? देर इसलिए हो जाती है कि देखिए आप स्ट्राइक टाइम सेशन नहीं होती, और आई थिंक नुमान ने साबित तो कर दिया बैटिंग से, बॉल से, बैट से, फील्ड से, और मेरा ये ख्याल है कि आप सही टाइम पे सही सिलेक्शन ना होना, सही टाइम पे सही चांस ना मिलना, और सही लोगों को सही जगह ना मिलना अगेन, तो ये ज़रूरी है कि उनको चांस ठीक टाइम पे ठीक जगह दे जाए। देखिए एक होती है प्लेसमेंट, एक होती है प्लेस, प्लेस ठीक होती है और प्लेसमेंट ठीक नहीं होती, प्लेसमेंट ठीक होती है उसका प्लेस ठीक नहीं होती, प्लेस ठीक नहीं, ठीक है ना। आज प्लेसमेंट और प्लेस, आज प्लेसमेंट ठीक है, प्लेस ठीक है, प्लेसमेंट ठीक नहीं। अब यही नुमान अली के जवानी में खेल रहा होता तो समथिंग एल्स होता। आबद अली 12 साल पहले खेलता, उस्मान सलाहुद्दीन खेलता, साउथ शकील अगर 5 साल पहले खेल जाता, एक बात नहीं, ये प्लेसमेंट होती है। अगर इन प्लेसमेंट को अगर आप बेहतर तरीके से प्लेस कर दो तो देट वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट हैविंग सेड दैट अगेन, मैं मुझे अच्छा लगता है कि देखिए एटलीस्ट ताबिश को चांस दिया, ये तो नहीं कह सकता ना यार कि चले हमने चांस नहीं दिया, चांस दिया सर। नहीं नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं, मैं इस बात से इसलिए अग्री नहीं करता हूं कि एक खिलाड़ी का प्राइम गुजार के हम फॉर द सेक ऑफ इट हम सिर्फ एक कैप दे देते कि चलो यार इसने इतना नहीं, नहीं, हमने सेक ऑफ सर मुझे बताइए इसके बाद कितने मैचेस क्या दी दिया भाईजान, 698 आउट है। हाँ जी 500 था विश्व, उसके बाद चांस नहीं बनता, उसका चांस तो बनता है लेकिन पहले देना चाहिए था ना चांस सर, वो पहले से पूछो ना यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले से पूछो ना, फॉर द सेक ऑफ इट ही करते हैं। नहीं सेक ऑफ इट तो आउट किए, साल नहीं आउट किए इसने, क्या बिल्कुल किए, फिर किसके बेस पे? नहीं मुझे बताएं कि आप इसके बाद कितना अरसा और वो पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे, 35 साल उनकी अभी उम्र है, वो इसके बाद 1.5 दिन खेले पाकिस्तान के, ठीक है, हमने तो चांस दिया, चांस तो दिया, चांस जल्दी ही देना चाहिए सर ताकि हम बेस्ट तो निकाल सके जिसपे इतना इन्वेस्ट हुआ है। देखो अब ये फजूल की आप बहस कर रहे हो, देखो ना दो चांस तब फंसते हो, चांस दो तब फंसते हो, थोड़ा जल्दी दे दो, ये कह रहे हैं यार जल्दी जिन्हें नहीं दिया उनसे पूछो ना, हमारा तो कसूर नहीं ना, मैं ये पूछ रहा हूं, हम तो यही कह रहे हैं ना यार दे देते चांस, अगर 2002 में अपने पीक ऑफ करियर में था जी, मेरे ख्याल में ये 99 में 19 खेल रहा था, ये मेरे ख्याल में 2000 मेरे साथ ही होगा ना फिर जी सर। 498 विकेट इन फर्स्ट क्लास, मोस्ट बाय एनी एशियन प्लेयर बिफोर देयर टेस्ट डेब्यू, ये ताबिज की बात है। And previous highest was 558 wickets by Melinda Pushpa Kumara before making his test debut for Sri Lanka. I mean, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टैलेंट की अगर कदर ही करनी है या अगर हमने उनको टेस्ट कैप देनी है या पाकिस्तान का सितारा लगाना है, which is a great honor, और हम ये चाहते भी हैं कि जो सेक ऑफ इट नहीं दिया, आपकी जो बात है वो सेक ऑफ इट नहीं दिया, ठीक है, परफॉर्मेंस पे दिया, परफॉर्मेंस पे दिया जी जी, तो 598 से पहले जब उनकी 550 थी या 500 विकेटें थी तब क्यों नहीं दिया, मेरा सवाल मासूमाना सिर्फ ये है यार, 5 विकेटें भी थोड़ी तो नहीं है सर, मैं किसी के बिहाफ के पर मैं क्या जवाब दूं यार, आप गुजरे इस प्रोसेस में से, आपने खुद देखा है कि कितने साल, मैं भी 4 साल लेट खेला हूं पाकिस्तान, ठीक है, तो अब मैं किसको पकड़ूं, 4 साल तो चले फिर सर ठीक है, लेकिन 4 साल 18-19 साल लेट होना सर बहुत बड़ी बात है। व्हाट आर यू सेइंग बॉस? हाँ जी 4 साल पता ना फास्ट बॉलर क्या होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपको नहीं आइडिया, तो ताबिश अगर मैं 94 एंड खेल जाता जी, जैसे मैं सकलैन आया था उस दिन घर पे, तो सकलैन 94 एंड खेला है, अगर 95 बिगनिंग में खेल जाता, 95 और 2000, अब फिर अब कम से 20 साल, सुन ले मेरी बात, 95 और 2000 इसमें तकरीबन मैं 250 आउट कर जाता, और फिर अगले 10 साल बिल्कुल, चलो लेट्स से मैं 5 साल और खेलता, 300 प्लस टेस्ट विकेट्स, नहीं 400 का विकेट ले जाता, मैं सारी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देता।